मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गए थे चिकन लाने, चिकन लेके आ गए एंड ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट भी लेके आ गए। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि रात को सोते सोते लेट हो गया, जल्दी ब्रेकफास्ट करना है क्योंकि आज आने वाला है मेहमान न्यू प्रेस कंट्रोल। इस घर में बहुत चीटे, पता नहीं कहाँ कहाँ अपना घर बना कर रखे हैं, जहाँ देखो वहाँ चीटे। और एक तरीके का इंसेक्ट होता है, मुझे मालूम नहीं उसे क्या कहते, हर जगह इतना घिन आता है, स्पेशली किचन में बहुत घिन आती है। तो फाइनली पंकज ने आज बुलाया, भाजी को किस एंगल से स्पेशल भाजी नाम रखा है पता नहीं, कुछ खास नहीं है, बहुत कड़वा कड़वा लग रहा है मुझे। टेस्टी नहीं है कुछ भी, कभी कभार अच्छा नहीं होता, वो भी तो इंसान है। जब भी बोलते हैं स्पेशल भाजी या स्पेशल चाय, तभी डर लग जाता है। स्पेशल चाय बकवास होता है, बकवास से भी ट्रिपल बकवास। पता नहीं कौन से एंगल से वो लोग स्पेशल चाय बोलते, मतलब ऑब्वियसली फ्रेश बना के देते, पर वो बकवास होता है। आ गए हैं प्रेस कंट्रोल, और डेजी का सारा काम अब भी शुरू हो गया। तरह इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें, बिकॉज पिछले साल से जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना, तब से ना चीटों का यू नो पूरा संसार मिलकर इधर यू नो लेफ्ट राइट होता ही रहता था। स्पेशली तो यहाँ पे बहुत मतलब हुआ करता था, बट धीरे धीरे थोड़ा कम हो गया। तो हमने सोचा चलो ठीक है, ओके आफ्टर फ्यू मंथ्स नहीं, एक डेढ़ दो महीने के अंदर फिर अभी देख रहे हो कि अलग अलग जगह पे होल है, जो चीटे है पता नहीं कौन कौन से तरीके का इंसेक्ट ने अपना घर बनाया है, एंड वहाँ से एवरी टाइम यू नो दैट ब्लैक वाला जो छोटा छोटा चीटे होते हैं एंड वो आते रहते हैं हमको हाई हेलो करने, एंड इतना गंदा लगता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न अभी काफ़ी लिजर्ड भी हो चुके हैं, मतलब दो चार लिजर्ड तो हमारे घर में है, जो कि छोटे छोटे बच्चे वाले, पता नहीं वो कहाँ से जन्म लेके आए हैं। तो यही दो चीज़ों का, पहले कॉकरोच भी था, दो तीन कॉकरोचेज हमने देखे, अभी तो कॉकरोच हम इतने महीनों में हमने देखा नहीं, सिर्फ दो तीन ही देखे थे जो हमने घर से अलविदा कर दिए मार मार के। सो अभी ये देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होता है, बट अभी मुझे उनसे पूछना है कि जहाँ जहाँ पे होल गया है उसको कैसे कवर करते हैं, और कवर करने का उसका नाम क्या है उस चीज़ का। इजी को ज़रा सा भी शांति नहीं है, उसको जानना है कौन है, कहाँ से आया है और क्यों और क्या कर रहा है, आते ही हमारे वॉशरूम में क्यों घुस गया ना। डेजी यू हैव सो मेनी क्वेश्चन इन योर माइंड, राइट डियर? यस शी सेड यस। ए ज्यादा किया ना तो तेरे ऊपर भी छिड़क देंगे। कैसी बंदी है, छूट गई अचानक, चालाक। ये बॉटल अभी डेजी के लिए डंडा है, ज़्यादा शान पट्टी करेगी तो इससे एकदम पड़ेगा इसके सर पे, और पीछू पे नहीं, खबरदार यहाँ अगर सुसु किया तो। ये देख, एक पीठ में पड़ेगा ना, पीठ पेट में बदल जाएगा। ठीक बैठ जो जा। वहाँ पे बर्ड देख रहे हैं ना, ये बर्ड यहाँ पे आके बैठी हुई थी, मैं आई तो भाग गई। सो चिकन मैंने निकाल के सॉल्ट डाल के सिर्फ मैरिनेट करके रखी हूँ, वहाँ पे कुछ पीसेस मैंने डेजी के लिए रखे हैं जो एक्चुअली हम खाते हैं, पर छोटे छोटे हड्डी टाइप होता है ना, वो मैंने रखा है। बट अगर पंकज अभी जाने वाला है बोलकर वहाँ पे देखेगा, अगर डेजी के लिए चिकन मिलता है तो पंकज वो अगर लेके आया तो फिर यहाँ से मैं शायद मैं ना दूँ और ऐड कर दूँ हमारे चिकन में।
सो मैंने ऑलरेडी, आज मैं थोड़ा अलग टाइप का बनाने वाली हूँ चिकन ग्रेवी. सो यहाँ पे है ये कोकोनट मिल्क. एक्चुअली ऑनियन थोड़ा कम पड़ गया था इसलिए पंकज को मैं भेज रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली डेजी के लिए तो चिकन चाहिए ही. प्लस हमें एक्चुअली हम जब सुबह निकले थे तब चेक किए थे पर हमें मिला नहीं. एंड बोरकर में 11 बजे के बाद आता है मतलब चिकन, तो इसलिए उस टाइम पे लिए नहीं. एंड कर्ड के बारे में भूल गई, कर्ड भी चाहिए, बिना कर्ड के होंगे नहीं. ऑलरेडी कर्ड है बट वो थोड़ा सा है, कम है, तो उससे काम नहीं चलेगा. और यहाँ पे मैंने राइस बैठा दिया है. आज एक गलती क्या कर दी, मैंने दो गलती की है एक्चुअली. पता नहीं कल से मैं गलती पे गलती कर रही हूँ और आज भी मैं कुछ एक्सपेरिमेंट ही करने जा रही हूँ चिकन ग्रेवी के ऊपर. वैसे मैं चिकन में क्या बोलते हैं इसको, नारियल का दूध डाल के मैंने किया है बहुत बार, बट आज थोड़ा सा अलग होने वाला है. अगर ये वाला रेसिपी बहुत अच्छा हुआ तो डेफिनेटली मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. सो जो गलती मैंने की वो मैं पहले बता दूं. फर्स्ट गलती ये है कि मैं ये बर्तन ऐसे ही ओपन रख दी जो ऑलरेडी धोया हुआ है. एंड सुखाने के बाद मतलब पानी जब निकल जाता है तो यहाँ पे बाकी जो लिटिल पानी लगा रहता है वो सुखाने के लिए वहाँ पे रखती हूँ, तो वो मैंने कवर करना भूल गई कपड़े से या न्यूज़पेपर से. और उल्टा क्या हुआ, वो हमारा जो राइस का बर्तन है ना वो हमने धोए नहीं अभी तक, तो यहाँ पे जो राइस का बैग आप देख रहे हो ग्रीन कलर का, वो राइस का वो ओपन था, वो क्लोज करना मैं भूल गई. तो अभी डर लग रहा है, फिर भी मैंने अच्छे से राइस को धो लिया है. सो ये और सबसे बड़ी गलती कल जो मैंने किया, मैंने बंगाली ब्लॉग में है, मैंने बंगाली ब्लॉग कल इवनिंग को बनाई थी जैसे आप लोगों से कहा था मैंने, तो मैं कल पिज़्ज़ा एक्चुअली फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मैंने लाइफ में किया कि आटा, एक्चुअली हमारे पास जो आटा है वो इतना सा आटा है जो ख़राब हो गया है. यहाँ पे आप देख सकते हो आटा जो है वो ख़राब हो गया है. तो वो ख़राब हो जाने की वजह से मैंने सोचा कि ऐसे क्यों फेंक दूँ, उसको किसी ना किसी काम आ सकता है. तो कल वही एक्सपेरिमेंट करने गई, सॉल्ट मतलब पिज़्ज़ा बनाने गई थी कल. तो ऑब्वियसली हमारे पास तो ओवन या माइक्रोवेव तो है नहीं, तो मैं बर्तन में ही वैसे स्टीम करती हूँ. तो अभी क्या हुआ कि मैंने आटे का इस्तेमाल किया. पहले तो मैंने सोचा 20-25 मिनट रखूँगी, बट बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार 10 मिनट्स के बाद मैं जाके चेक करती हूँ, अगर आटा जल गया तो गड़बड़ हो सकती है. एंड वही हुआ. प्रॉब्लम ये हुआ कि 10 मिनट बाद जाके चेक कैसे करूँ मैं, मतलब पंकज का तबीयत ठीक नहीं था तो पंकज सो रहा था कल. तो मैं घर आई, घर आके सॉरी घर बोल रही हूँ, मैं रूम में गई, रूम में जाके मैं सोची कि थोड़ा फ़ोन यूज़ करती हूँ, तो कान में हेडफोन लगा के मैं फ़ोन देख रही थी. देखते देखते कब सो गई मुझे पता नहीं चला. एंड मोर देन 45 मिनट्स वो वैसे पूरा जल गया, पिज़्ज़ा जल गया, बर्तन जल गया, सब पूरा धुआं धुआं हो गया. एंड मम्मा को थोड़ा सा अंदाजा हुआ, मतलब मम्मा को लगा कहीं बाहर से स्मेल आ रहा है, पर ऐसे कैसे बाहर से स्मेल आ सकता है, बस सभी तो बंद रहता है. तो जो भी हो पूरा किचन धुआं धुआं हो गया था. फिर मैंने सब कुछ साफ किया एंड ऑल, तो बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था कल, पर फिर भी मैंने उसके बाद दो पिज़्ज़ा बनाई थी और जो बहुत अच्छा बना था, एंड बहुत ही अच्छा बना था एक्चुअली. सो ये रहा अपडेट कल का, जो इवनिंग का जो मेरा कारनामा और आज भी मेरा सेम कारनामा. तो अभी पंकज आएगा, उसके बाद मैं आगे का प्रोसीजर शुरू करूँगी. तो अभी मैं जाऊँगी थोड़ा सा रेस्ट लेने, बिकॉज मेरा सुबह से इतना सर दुख रहा है क्योंकि रात के 3 बजे तक जगी थी. तो एक्चुअली मूवी नहीं, एक सीरीज़ देख रहे थे, तो वही देखते देखते मीन्स 3 बज गए थे और मेरा सर इतना दुख रहा है मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं नॉर्मली 12-12.5 बजे तक इन दिनों सो जाती हूँ. तो अभी थोड़ा रेस्ट लेती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे शायद, क्योंकि अभी पंकज मार्केट गया है, मार्केट मतलब यहीं आसपास गया है, तो जब तक वो आ नहीं जाता है तब तक थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ. ऑलमोस्ट हो आया है चिकन ग्रेवी, और 5 मिनट से 10 मिनट और रखना है क्योंकि चिकन अच्छे से कुक होना ज़रूरी है. और यहाँ पे आज डेजी का खाना राइस चिकन प्रेशर कुकर में नहीं बनाई, बिकॉज हमारे प्रेशर कुकर में कुछ प्रॉब्लम है मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज मतलब क्या बोलूँ, उसमें मैं बनाती हूँ ना तो बहुत गंदा सा स्मेल आता है चिकन का, मतलब कुछ भी अभी करती हूँ ना उसमें एक अजीब सा, नॉर्मल राइस भी मैं करती हूँ ना तो उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाता है. इसलिए
प्रेशर कुकर अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ, उसको शायद अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी है। नॉर्मली तो वॉश करती हूँ, जैसे बर्तन धोते हैं तो वॉश करते ही है, पर पता नहीं उसमें ऐसा स्मेल क्यों आता है, तो इसलिए मैंने उसको तो वैसे भी दे दो तो खा लेती है, बट हमको तकलीफ होती है स्मेल से। और मैंने सोल करी रखा है एंड मुझे लगता है सोल करी थोड़ा अच्छा नहीं होगा, बिकॉज थोड़ा ज़्यादा ही ब्लैक पेपर गिर गया है, और जिससे पंकज को थोड़ा होता है प्रॉब्लम, उसको हिकअप्स आते हैं। सो अभी नमक डालना है सोल करी में, सो नमक डाल दूँ पहले, थोड़ा कड़वा सा लग रहा है, पता नहीं पी पाएंगे कि नहीं, बाद में देखेंगे। और फिश भी हमने जैसे रेड स्नैक लेके आए थे वो भी हमने मैरिनेट कर लिया, एक्चुअली पंकज ने किया। और ये वाला फिश का नाम हमें मालूम नहीं है, पंकज को भी पता नहीं है, मम्मा को भी पता नहीं है। सो ये एक फिश है, इसमें 5 पीस था और इसमें 6 पीस। सो आज मज़े से खाएंगे, क्योंकि बहुत जल्द ऐसा आने वाला है जब हम लोग ऐसे फ्राई चीज़ें मसालेदार नहीं खा पाएंगे, क्योंकि तब का तो तब बताऊँगी, अब उसे सस्पेंस ही रहने दो और जब आएगा तब बताने दो, क्योंकि कुछ तो कंटेंट रखना पड़ेगा ना मेरे पास जो मतलब अभी अगर बोल दी तो। सो ये रहा फिश फ्राई जो पंकज ने किया है, अब मैं पंकज को नहीं दिखा सकती, और ये रहा देसी का। सारी बारी पहन के सोच रहे हो कहाँ जा रही हूँ। ऐसे हमारा फ्रेंड है युगा, उसका आज ये बेबी शावर है, ममता बेबी शावर है, तो इसलिए वहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली सोचे थे नहीं जाएंगे बिकॉज पंकज का सर्दी, जो कि आज ही इज मच 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 बेटर है, थोड़ा वेरी लेस बट ही इज बेटर, ही इज फीलिंग गुड। तो कल का भी हमारा एक प्रोग्राम था, बर्थडे पार्टी था, पर हम उसमें नहीं जा पाए, तो आज का बेबी शावर में हम लोग जा रहे हैं। मैंने चश्मा नहीं पहनी बट कैरी कर रही हूँ, मुझे अभी नहीं पहनना बिकॉज मैंने इतनी मेहनत से मेकअप किया है, चश्मे के पर्दे से मैं छुपाने के लिए बकवास है रखा। और मैंने ये लिया है घर बाइक का स्कूटर का चाबी लिया है गाड़ी का चाबी लेने की जगह स्कूटर का चाबी ले ली। एंड पंकज इज वेयरिंग दिस जो अभी शूज पहन रहा है। दरवाजा तो दे दो। आज क्या हुआ, हम लोगों ने आज ना लंच बहुत लेट 3:30 बजे किए, एंड उसके बाद जो सोए, एंड हम लोग कंफ्यूज थे हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो 5:30 बजे सत्यन ने कॉल किया था, मतलब सत्यन एंड योगा हस्बैंड वाइफ, ओके। सो सत्यन ने कॉल किया था तो मैं तो नींद में थी, मैंने देखा था बट मैं नींद में थी तो मैंने रिसीव नहीं किया। बाद में मैंने पंकज को बोला, मैं ध्यान से ही निकल गया कि आज समर कैंप बोल रही हूँ, बेबी शावर है, तो मैंने पंकज ने कॉल किया तो बाद में हमने डिसाइड किया कि नहीं हम जाएंगे, तो इसलिए अभी अब हम निकल गए हैं। और एक दोस्त आ रहा है, और एक दोस्त आ रहा है नारायण, और हम लोग इतना लेट पहुंचेंगे कि वो सब निकल चुके होंगे सब निकल गए होंगे, खाना भी खत्म हो गया होगा, हमारे हिस्से का कुछ भी नहीं है आई गेस हमको सिर्फ खाली बर्तन मिलेगा खाना खाने जा रही है ऑब्वियसली। सो कहा वैसे जो कपार मैं मजाक कर रही थी। अच्छा तो और एक क्या था कि इनका जो बेबी शावर है 5 बजे और अभी 8 बज रहे हैं, हम 8 बजे निकल रहे हैं निकल गए हैं एक्चुअली ऑन द वे, और हम लोग पहुंच भी आए हैं क्योंकि इधर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट नियर बाय। पंकज कह रहा है लोग हैं क्योंकि गाड़ियां हैं इधर, चलो हम भी चलते हैं अंदर। आगे है क्या नारायण? वैसे ये मरगांव क्रिकेट क्लब है, इधर दिखाती हूँ, बाहर निकलने दो। अच्छा तुम पहले कॉल करो, पहले कॉल कर लेते, अच्छा पहले कॉल कर लेने दो। फिर आज बहुत टाइम के बाद मैंने आई शेडो पहना, बट आई शेडो मैंने बहुत सिंपल वे में पहनी हूँ, जस्ट यहाँ पे बॉर्डर है ब्लैक तो उसी का ही मैंने कर दिया ब्लैक, नो अदर कलर। पार्लर है? हाँ
हेलो क्या है? अरे ये है, ये ऑन है। यस या अब इसलिए तुम्हारे आंखें और छोटे हो गए थे। सो ये रहा मरगांव क्रिकेट क्लब, तो इधर है, चलो चलते हैं। ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक। सो अगर आप सोच रहे हो कि ये नेक्स्ट डे, नो, नेक्स्ट नेक्स्ट डे है, नो, ये जो अभी शूट कर रही हूँ ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे का है। सो दो दिन तक मैंने व्लॉग नहीं बनाई। सो लास्ट जो मैंने व्लॉग बनाया था परसों, उसके पहले दिन या संडे का, तो संडे का व्लॉग मैं अभी एंड कर रही हूँ। अगर ब्लॉग में कुछ भी पसंद आता है देन टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, जो कोई नहीं करता। चलो बाय बाय, सी यू।